तो देखो भाई लोग, कल क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल का क्रैश टेस्ट किया गया एशियन एनकैप के द्वारा, जहां पर क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल ने 5 स्टार रेटिंग्स हासिल करे हैं। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि ये कार सच में सेफेस्ट है या फिर इस कार को सिर्फ 3 स्टार रेटिंग्स मिले हैं या फिर 2 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स है, आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ पर कारों का क्रैश टेस्ट किया जाता है, जैसे कि ग्लोबल एनकैप हो गया, इसके ऊपर आता है लैटिन एनकैप। लैटिन एनकैप के अंदर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल है, बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जहाँ पर कारों को मतलब सर्वाइव करना ही पड़ता है अच्छे पॉइंट्स लाने के लिए। लेकिन एशियन एनकैप सबसे नीचे वाला क्रैश टेस्ट है, जहाँ पर अगर कोई कार 5 स्टार रेटिंग हासिल करती है तो वो कार ग्लोबल एनकैप में 3 स्टार या फिर 2 स्टार रेटिंग हासिल कर सकती है और लैटिन एनकैप में 0 या फिर 1 स्टार रेटिंग हासिल कर सकती है। और इंडिया में आज के डेट में बहुत सारी ऐसी कार है जिनका क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप के द्वारा किया जाता है और वहां पर बहुत सारी कारों ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। और अगर मैं क्रेटा फेसलिफ्ट मॉडल की बात करूं तो इस कार ने एडल्ट ऑक्युपेंसी में 27.78 पॉइंट्स हासिल करे हैं आउट ऑफ 32। इसके अलावा चाइल्ड ऑक्युपेंसी में 39.67 पॉइंट हासिल करे हैं आउट ऑफ 51। तो यहाँ पर ठीक ठाक पॉइंट्स मिले हैं एशियन एनकैप में क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल को। और कुछ दिन पहले ही फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशक का क्रैश टेस्ट किया गया था ग्लोबल एनकैप के द्वारा, जहां पर इन दोनों ही कारों को सेफ्टी में 5-5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। और इंडिया में आज के डेट में ये दोनों ही कारें ऐसी है और इस सेगमेंट में भी ये दोनों कारें इकलौती ऐसी कार हैं जिनके अंदर आपको सबसे ज्यादा सेफ्टी मिलने वाली है और इन कारों को सेफ्टी में सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। तो यहाँ पर क्रेटा फेसलिफ्ट मॉडल का एशियन एनकैप में क्रैश टेस्ट हो चुका है, जहां पर इस कार ने 5 स्टार रेटिंग हासिल करे है। आप इसको 3 स्टार रेटिंग्स बोल सकते हैं एज कम्पेयर टू ग्लोबल एनकैप, क्योंकि वहां के रूल्स थोड़े से अलग है। ग्लोबल एनकैप में कारों का स्पीड होता है 64 किलोमीटर पर आवर का और एशियन एनकैप में 54 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होता है। इसके अलावा बहुत सारे कम पैरामीटर्स होते हैं एशियन एनकैप में और थोड़े से ज्यादा पैरामीटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे ग्लोबल एनकैप में। ग्लोबल एनकैप के साथ अगर आप क्रेटा फेसलिफ्ट मॉडल को कंपेयर करोगे तो वहां पर यह कार 3 या फिर 4 स्टार रेटिंग हासिल कर लेगी। हालांकि क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल का क्रैश टेस्ट हुआ है, लेकिन जो इंडियन मार्केट में मॉडल बिक रहा है उसको सेफ्टी में 3 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। हालांकि उसका क्रैश टेस्ट बहुत दिनों पहले हुआ है और किया सेल्टोस को भी सेफ्टी में 3 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। तो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर सिर्फ स्कोडा की कुशक, इसके अलावा फोक्सवैगन की टाइगन, ये दोनों ही कारें ऐसी है जिनके अंदर आपको सबसे ज्यादा सेफ्टी मिलने वाली है। लेकिन क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल अगले 1-2 महीनों के अंदर इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है और जैसे ही क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च होता है मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। और बहुत जल्दी भारत का भी क्रैश टेस्ट प्लेटफॉर्म आने वाला है। भारत की जो सरकार है वो और भी स्ट्रिक्ट रूल लाने वाली है कारों के अंदर और अभी से 6 एयरबैग्स को मैंडेटरी कर दिया है। आने वाले समय में और भी रूल स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आपको कौन सी कार अच्छी लगती है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।